आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने नया झटका दिया है। अमेरिका ने कैरी लोगा बर्मन एक्ट के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कैरी लोगा बर्मन एक्ट के तहत पाकिस्तान को दी जाने वाली प्रस्तावित आर्थिक मदद में 44 करोड़ डॉलर की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद पाकिस्तान को 4.1 अरब डॉलर की धनराशि दी जाएगी। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मदद में कटौती के फैसले के बारे में इस्लामाबाद को इमरान खान के अमेरिकी दौरे से 3 सप्ताह पहले ही आधिकारिक सूचना दे दी गई थी। इस्लामाबाद अमेरिका से यह आर्थिक मदद पाकिस्तान एनहेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पेपा 2010 के जरिए हासिल करता है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 90 करोड़ डॉलर की बची हुई अमेरिकी मदद पाने के लिए पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह ही पेपा की समय सीमा बढ़ा दी थी। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक मदद में कटौती से पहले 4.5 अरब डॉलर की धनराशि आवंटित की जानी थी, जो अब घटकर 4.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने कैरी लोगा बर्मन एक्ट पास किया था और इसे लागू करने के लिए सितंबर 2010 में पेपा पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पाकिस्तान को 5 सालों की अवधि में 7.5 अरब डॉलर की मदद दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम को पाकिस्तान की आर्थिक संरचना में निवेश करने के मकसद से लाया गया था, जिसके तहत देश की ऊर्जा और जल संकट को दूर किया जाना था। हालांकि पेपर समझौते के लागू होते ही पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे। इसका असर अमेरिका की प्रतिबद्धताओं और आर्थिक मदद पर भी पड़ा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।